छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। एक बार फिर आरोप लग रहा है कि दारोगा भर्ती के लिए जो परीक्षा ली गई है उसके प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जब सेंटर में आपने जैमर लगा रखा है, सीसीटीवी है, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है, प्रश्न पत्र आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो जो वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र वो क्या है? आंसर शीट जो आंसर के साथ वायरल हो रहा है वो क्या है? देखिए, निश्चित रूप से ये बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार है उस किया जा रहा है, वो खुद ब खुद उजागर हो रहा है। जब को पारदर्शिता की हम लोग मांग करते रहे हैं कि परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन पेपर आप अभ्यर्थियों को दीजिए, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स जारी कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ पीडीएफ जारी किया जाता है। और अभी देखिए, क्वेश्चन जब अभ्यर्थियों को बाहर लाना नहीं था, किसी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन परीक्षा के समाप्ति के बाद दिया नहीं गया, तो ये क्वेश्चन उनका कैसे सोशल साइंस पे आ गया, कहां से आ गया बाहर? और एक सेंटर पे तो क्वेश्चन एग्जाम के समय भी बाहर भेजा गया है, जो कि गिरफ्तार भी हुए हैं। तो आखिर ये कैसे हो गया कि उसी सेंटर पे कोई अभ्यर्थी एग्जाम ले ये मोबाइल लेके भी चला गया और उसी सेंटर पे जैमर भी उसका काम नहीं कर रहा था? ये दोनों घटनाएं एक साथ कैसे हो गई? यानी कि या तो सेंटर पे जैमर लगा ही नहीं था बहुत सारे सेंटर पे, और जैमर लगाने के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुझे लगता है ये खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है कि हम जैमर लगाते हैं और उसके नाम पे बिल बनता होगा, पैसे की उगाही हो रही होगी, और जैमर लगाया ही नहीं जाता है सेंटर पे, और कैसे मोबाइल लेके कोई अभ्यर्थी अंदर चला गया, और उसके बाद सोशल साइट पे कहां से वायरल हो रहा है क्वेश्चन? आपका वायरल सोशल साइट पे कहां से हो रहा है? तो इसकी जांच होनी चाहिए ना कि आखिर क्वेश्चन आया कहां से बाहर। कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं, हम सोशल साइट पे देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आंसर भी परीक्षा से पहले कई ग्रुप में आ चुका था और वो सही पाया गया, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए ना। जांच होनी चाहिए कि भाई ये अगर सही बात है तो आखिर कहां से ये सब चीज हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग है, इसकी जांच होनी चाहिए। दिलीप जी, क्या ये एग्जाम देने के बाद ये वायरल हुआ है प्रश्न पत्र या पहले से ये वायरल हो रहा था? देखिए, वायरल तो जब हम लोग देख रहे हैं तो एग्जाम के बाद देख रहे हैं। अच्छा, एग्जाम के बाद देख रहे, लेकिन आप बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि एग्जाम से पहले भी आंसर कुछ ग्रुप में आ चुका था, तो ये तो अभ्यर्थी बता रहे हैं, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूं। तो मैं इसलिए मांग कर रहा हूं कि जांच होनी चाहिए इस बात की, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो डर से मीडिया में या फिर ये चीज सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते हैं कि उनके पास सबूत है, क्योंकि उनको डर लगता है कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, तो इसलिए वो सामने भी नहीं आना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जिनके पास भी परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले का कोई भी सबूत हो, प्रश्न का, उत्तर का, तो वो जरूर सामने आइए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए, या फिर आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपकी बातों को आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई ईमानदार सरकार है, कोई ईमानदार आयोग है, तो कहीं कुछ गड़बड़ी की अगर सूचना भी करवाई जाती है, तो यहाँ जब सोशल साइट पे चल रहा है कि भाई क्वेश्चन वायरल है, परीक्षा के बाद ही मान लीजिए कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो परीक्षा के बाद ही क्वेश्चन कहां से आया, इसकी जांच तो होनी चाहिए ना कि आखिर किस सेंटर से आया, या फिर क्वेश्चन जहां छपाई होती है वहां से आया, कब आया, परीक्षा के दरमियान या परीक्षा के बाद या परीक्षा से पहले, इन सब चीजों की जांच तो होनी चाहिए ना। तो क्या आयोग से छात्रों ने कंसल्ट किया है, उनके संज्ञान में ये बातें आई हैं, क्या मांग है अब छात्रों की? देखिए, आयोग से क्या मांग रहेगी, आयोग तो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जब से बना है, 2016 में बना है, 2017 से ये काम कर रहा है आयोग, तब से लेकर आज तक तो आयोग का रवैया तानाशाही कर रहा है, लोकतांत्रिक रवैया तो उनका रहा नहीं है। हम लोग भी कई बार मिलने जाते हैं तो कोई मिलते ही नहीं है, तो फिर आयोग के सामने अभ्यर्थी अपनी बात कैसे रख पाएंगे, ये तो संभव ही नहीं है। जो आयोग किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है, हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आयोग तक कौन बात पहुंचाएगा? सोशल साइट्स और मीडिया के माध्यम से तो आयोग तक बात पहुंच ही चुका है, सरकार तक भी बात पहुंच चुकी है, तो अब तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो पारदर्शिता लाएगा और या फिर धांधली सेटिंग रोकेगा, उससे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते।
लेकिन सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं और सरकार से हमें मांग कि आप पारदर्शिता लाइए और ये जो क्वेश्चन वायरल हुआ है, आंसर वायरल हुआ है, उस सब की जांच करवाइए कि कहां से वायरल हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। आखिर ये एक दो स्टूडेंट्स के सवाल नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा मामला है, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 1717 दरोगा बहाली, 2018 में परीक्षा हुई थी पीटी परीक्षा, उसका पेपर लीक, 2446 दरोगा बहाली, 2019 दिसंबर में परीक्षा हुई उसका पेपर लीक, 2213 दरोगा बहाली उसका भी इसी तरह वायरल। तो आखिर कब तक ये चलता रहेगा? इससे पहले 1 अक्टूबर को हुई थी सिपाही भर्ती परीक्षा, हालांकि उसका बोर्ड अलग था, सीएसबीसी था, उसका पेपर लीक। तो आखिर ये कब तक चलेगा? सेंटर मैनेज कभी तो कभी पेपर लीक, तो कभी आयोग के द्वारा धांधली सेटिंग, तो कभी गुंडागर्दी। तो ये दरोगा बहाली में तो खुलेआम 2017-18 से हम लोग देख रहे हैं कि चल रहा है, तो आयोग की तानाशाही चल रही है, गर्दी इसको कह सकते हैं, तानाशाही भी एक अलग चीज है, इसको गुंडागर्दी कहेंगे कि जब आपको कोई सबूत भी दे रहा है तो आप उस सबूत को भी नहीं देखना चाह रहे हैं, सीधा इनकार देखने से पहले ही इनकार कर देते हैं कि नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही है, कोई कुछ बोल रहा है वो गलत है। तो क्या मांग है आप दिलीप जी, क्या परीक्षा ये कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, और अगर उसमें ये पाया जाता है कि परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आंसर या क्वेश्चन वायरल हुआ या फिर लीक हुआ, तो निश्चित रूप से परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए परीक्षा संपन्न होने के बाद क्वेश्चन बाहर आया तो फिर एग्जाम कैंसिल की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी परेशान होते हैं जब एग्जाम कैंसिल होता है। तो अगर परीक्षा के बाद क्वेश्चन बाहर आया तो कहां से बाहर आया, कौन किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, तब तो परीक्षा उस तक पहुंचा जाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा माफिया है। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन के बाहर आने से अगर एग्जाम प्रभावित हुआ है, 2-4 लोग को भी इससे फायदा हुआ है, तो निश्चित रूप से एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। लेकिन अगर ये परीक्षा के बाद कहीं बाहर आया जिससे किसी को फायदा नहीं हुआ, तो फिर परीक्षा कैंसिल करने का कोई ये नहीं है, क्योंकि गरीब स्टूडेंट परीक्षा देने जाते हैं, उनको आने जाने में परेशानी, खर्च होता है। लेकिन सिपाही भर्ती वाला भी परीक्षा जो कैंसिल हुई उसे अब तक नहीं ले पाया गया है, आयोग ने अब तक नहीं लिया फिर वो परीक्षा? नहीं, अब तक परीक्षा तो नहीं हुई, उसका डेट भी घोषित तो नहीं हुआ, लेकिन आज अभी तक ये पता नहीं चला कि क्वेश्चन कहां से लीक हुआ, कि क्वेश्चन किसने बाहर किया, कहां से लाया, क्या किया, अभी तक कहां पता चला है। उसके चेयरमैन जो एसके सिंगल साहब है सीएसबीसी के, वो तो कह रहे थे कि विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ लिए इसलिए वो आंसर अपने से तैयार कर लेते हैं कि फलना फलना आंसर आएगा आज के एग्जाम में आएगा। तो विद्यार्थी जब इतना तेज है कि वो खुद से अंदाजा लगा ले रहा है कि ये आंसर आएगा, तो उसको लिख के ले जाने की क्या जरूरत थी भाई? बिल्कुल, ये तो एकदम बेवकूफों वाली बात है, एसके सिंगल साहब कर दिए। तो ऐसे ऐसे लोग चेयरमैन बने हुए हैं, यही केएस द्विवेदी जो अभी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन है, यही तो पहले सीएसबीसी के चेयरमैन थे और वहां भी पेपर लीक हुआ था, खुलेआम पेपर लीक हुआ था सिपाही बहाली का। तो ऐसे लोग जब चेयरमैन रहेंगे तो इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग सही से परीक्षा लेंगे। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को पद से हटाया जाए और किसी साफ सुथरी छवि वाले लोगों को चेयरमैन बनाया जाए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाए और व्यवस्था को सुधारे, पारदर्शिता लाए, अच्छा से एग्जाम कंडक्ट करवाए। चलिए शुक्रिया दिलीप जी जुड़ने के लिए न्यूज बाइस से और अपनी बातें रखने के लिए। तो अब ये मांग है अभ्यर्थियों की, छात्र नेताओं की भी, कि अगर आयोग इसकी जांच करे कि जो प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं क्या वो परीक्षा से पहले वायरल हुए थे और इसका लाभ मिला है किसी को, और अगर परीक्षा के बाद ये प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं तो दोषी कौन है, और उस कंडीशन में फिर परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, कैंसिल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर परीक्षा होने से पहले ये पेपर वायरल हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो परीक्षा कैंसिल करने की मांग वो करते हैं। लेकिन परीक्षा के बाद अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक किया है और ये वायरल किया है तो इसकी भी जांच हो कि जब सेंटर में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं, प्रश्न पत्र बाहर नहीं ला सकते हैं, तो आखिर ये प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया, इस पर आयोग को कटघरे में खड़ा होता है और उस पर ही सवाल उठा रहे हैं अभ्यर्थी। फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।
राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। एक ही जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।